नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी यूपी लेखपाल भर्ती 2022 को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अभी तक यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से ये भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितने गुना अभ्यर्थी वो मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे, पीईटी का कितना परसेंटाइज सेफ होगा, पीईटी का कट ऑफ क्या रहेगा आगे के लिए। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे और भी जो भर्तियों के विज्ञापन आने थे, अगर यहाँ पे क्लियर हो गया होता तो सभी को आइडिया लग जाता कि और भी जितनी, चूँकि अभी तो भर्ती का विज्ञापन इन लोगों ने जारी नहीं किया यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, लेकिन 10 मार्च के बाद कुछ ऐसी भर्तियाँ हैं 3-4 जिनके विज्ञापन आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। काफ़ी कुछ चीज़ें दोस्तों यहाँ पर तय होंगी 10 मार्च के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया से। अगर सरकार रिपीट होती है तो मे बी अभी जैसा कुछ चल रहा है कुछ उसी प्रकार से चीज़ें आगे भी चलती रहे थोड़ा बहुत सुधार के साथ। अगर सरकार बदलती है तो हो सकता है कि सभी को मौका मिले, क्योंकि फिर छात्र अभ्यर्थी मांग कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं कि पीईटी का परसेंटाइल या कटा पर कोई क्राइटेरिया ना रखा जाए, सभी को मौका मिले या एटलीस्ट जितने लोगों ने फॉर्म भरा है। या फिर ये भी हो सकता है कि पीईटी की जो कंडीशन है उसको समाप्त करके फिर से नए सिरे से आवेदन लिए जाएँ, कुछ भी हो सकता है। और हम आप जितना वेट कर रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा वेट जितने भी भर्ती बोर्ड आयोग है उनकी तरफ से वेट किया जा रहा है। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आबकारी सिपाही का रिजल्ट ये लोग जारी करना चाह रहे थे फरवरी लास्ट तक ही, लेकिन चुनाव निर्वाचन आयोग से आप देखेंगे कि 10-12 मार्च तक के लिए भी परमिशन नहीं दिया गया, यानी जब तक आचार संहिता प्रभावी है और जब तक कि नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है। असल में देखा जाए तो मान लीजिए नई सरकार का शपथ ग्रहण 15 मार्च को होता है, सपोज दैट, तो 15 मार्च तक आप एक तरह से मान सकते हैं कि आचार संहिता चल रही है। आरटीआई लगाई गई थी और कोई भी रिप्लाई ऐसा नहीं मिला है अभी तक 15 गुना या 20 गुना वाला, क्योंकि अभी तक आयोग को खुद क्लियर नहीं है कि उन्हें कितने गुना यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करने हैं। सिर्फ आप देखेंगे लिपिक संवर्ग वाली भर्ती देख लीजिए, जहाँ पर 50% वाला क्राइटेरिया रखा गया परसेंटाइल का, अनुदेशक का हो ANM का हो, आप देखेंगे कहीं पर भी अभी क्लियर नहीं किया गया है कि पीईटी की कट ऑफ या फिर पीईटी का परसेंटाइल क्या रह सकता है। साथियों, मेरे हिसाब से लेखपाल की जो भर्ती की परीक्षा है बहुत जल्द आयोजित करवाई जा सकती है। मार्च की संभावना तो वैसे भी दूर दूर तक नहीं है, अप्रैल लास्ट तक या फिर मई में इसकी परीक्षा आयोजित करवाई जा सकती है। और अगर कहीं मान लेते हैं एक मिनट के लिए सरकार बदली, फिर से आवेदन के लिए आदेश आया, पीईटी की बाध्यता समाप्त कर दी गई, तो हो सकता है कि फिर से नए सिरे से आवेदन शुरू हो जाए, बहुत कुछ हो सकता है। और जिस तरह से विवाद में तमाम भर्तियां रही हैं पिछले 5 वर्षों में, उसको देखते हुए दोस्तों इन सभी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। और अगर सरकार नहीं बदलती है तो हो सकता है कि सरकार की जो मंशा है 15 गुना 20 गुना को ही शॉर्ट लिस्ट किए जाने की, तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं आप देखेंगे हजारों लाखों अभ्यर्थियों को निराशा होगी। पहले भी चेयरमैन साहब अपनी मंशा रख चुके हैं, हो सकता है कि जैसे ही पुरानी अगर सरकार रिपीट होती तो हो सकता है कि उसके बाद जो ये लोग जो है एक नोटिस भी जारी कर दें हफ्ता 10 दिन के अंदर 15 या 20 मार्च तक कि हम 15 गुना लेंगे 20 गुना लेंगे, कुछ भी हो सकता है। उस स्थिति में दोस्तों फिर वही मैक्सिमम जो है 2 लाख तक रैंक तक या 90+ परसेंटाइल वालों को ही मौका मिले, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी हमें पहले से कुछ भी चीज़ें मान करके नहीं चलनी है, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ आगे की अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से करनी है। GK GS, ग्रामीण परिवेश, मैथ, रीजनिंग, ये सब आप अच्छे से पढ़ते रहिए, कवर करते रहिए। माफ़ी चाहूँगा, मैथ और हिंदी वाला जो सेक्शन है अच्छे से करते रहिए। कुछ देखिए कुछ जो सिलेबस है वीडियो का देखेंगे तो वहाँ पर रीजनिंग है, मैथ नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे वन रक्षक में तो थोड़ा बहुत सिलेबस सभी में है डिफर, तो गलती से निकल गया मुंह से, मैथ रीजनिंग दोनों नहीं है। तो जितना आपका सिलेबस है उसको आप अच्छे से कवर करते चलिए। 10 मार्च के बाद 20 मार्च से पहले पहले तक आपको यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से नई नोटिस देखने को मिल जाएगी पीईटी कट ऑफ को लेकर के, पीईटी परसेंटाइल को लेकर के। और काफ़ी कुछ चीज़ें 10 मार्च को ही तय होने जा रही हैं। और जब लाखों छात्र या हजारों छात्र जब एक साथ जब मांग करेंगे कि सर पीईटी को हटा दिया जाए या फिर पीईटी की बाध्यता समाप्त हो या फिर सभी को मौका मिले, बाद में अगर ये लोग करते हैं कि नहीं हम 50% वालों को, आप ऐसे सोचिए कि मान लीजिए इन्होंने बोला कि हम 50% वालों को मौका देने जा रहे हैं, और सपोज दैट कि 55, 56 वाले 54 वालों लोगों ने फॉर्म अगर न भरा हो लेखपाल के लिए, एक अंदाज़ा है केवल कि 10 लाख 12 लाख 11 लाख फॉर्म भरे गए होंगे,
मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 54-55 वाले ने अगर फॉर्म ना भरा हो, फिर वो लोग मांग करेंगे कि आपने पहले ये नोटिस क्यों जारी नहीं किया कि 50% परसेंटाइल वाले भी इसमें एलिजिबल होंगे। फिर या तो ये लोग फिर से उनके आवेदन लें, या फिर ये लोग ना माने तो फिर छात्र कोर्ट जाएं। तो आगे दोस्तों बहुत कुछ ये लोग विवाद खड़ा कर किए हैं, और सारी गलती यहाँ पर आयोग की है, अधिकारियों की है, सरकार की है। आपको पहले से फॉर्म भरने के टाइम से ही आपको सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए था, ताकि छात्रों को पता रहे। और यहाँ पर कि सबको आवेदन लेकर के आप सबको अंधेरे में क्यों रखे हैं, क्यों आप सभी छात्रों का भविष्य को गुमराह कर रहे हैं। उनको पता चले कि हमारा इसमें होना नहीं है, एक बार PET करवा लिया, आने वाले सभी भर्तियों के लिए हमारा होगा कि नहीं होगा, फिर वो किसी और चीज़ की तैयारी करेंगे या फिर कुछ भी नहीं करेंगे। जैसा कि लोग बताते हैं, पकौड़े तलना है तो गोबर के कंडे, जो भी नए नए बिजनेस आइडिया बताते हैं पढ़े लिखे लोगों के लिए, तो फिर वही करेंगे जो इनकी मनसा है। लेकिन साथियों, बड़ा मन दुखी होता है कि एक तो आयोग इतना सुस्त कार्य करता है, 5-5 साल, 6-6 साल से भर्तियां लटकी रहती हैं, आप वो भर्तियाँ कंप्लीट तक नहीं करवा पाते हैं। कोई भी भर्ती 3 साल 4 साल से पहले आप पूरी नहीं करवा पाते हैं। आखिर आपकी कार्य प्रणाली क्या है, क्यों आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? कोई भी भर्ती आप देना ही नहीं चाहते हैं, रोज़गार देना ही नहीं चाहते हैं। और इस बार रोज़गार की मुद्दा, मेरे हिसाब से दोस्तों, जो लोग भी इस मुद्दे को इग्नोर किए हैं, आने वाले समय में उन्हें मुंह की खानी पड़ सकती है या पड़ेगी। रोज़गार का मुद्दा इस बार सबसे ज़्यादा बम्पर मुद्दा था, और लाखों लाख अभ्यर्थी इसमें, मेरे हिसाब से कम 30-40 लाख, आप सभी देख लीजिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, TGT PGT है, LT ग्रेड है, UP SSSC की तमाम भर्तियां हैं, लोक सेवा आयोग से तमाम भर्तियां हैं, कितने छात्र हो जाएंगे? और उतने परिवार अगर आप जोड़ेंगे तो करोड़ों यहाँ पे इसकी संख्या में हो जाएंगे। बाकी बातें मैं कहना नहीं चाहता हूँ यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर, बाकी बातें आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये अनदेखी कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में भारी पड़ सकती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, हम लोगों को तो बल्कि ये मांग करनी है आने वाले समय में, अभी तो हम लोग केवल मांग पत्र रख रहे हैं, लेकिन आगे हम लोग ये भी मांग करेंगे कि इसके लिए कानूनी बाध्यता बने। आप एक कानून बनाइए, सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। कल को आप फिर वही आप करवाइए, फिर आप वही काम करेंगे, तो हम लोग धरना देने आएंगे या फिर अपनी पढ़ाई करेंगे या फिर इस बेरोजगारी के दौर में हम कुछ कार्य अपना करेंगे? तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आने वाले समय में हो सकती है। लेखपाल के लिए भी हमने प्रीवियस ईयर का पेपर डाला हुआ था, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, और प्रैक्टिस सेट हम आपको रेगुलर प्रोवाइड कराते चल रहे हैं, जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। बहुत ज़्यादा आप अलग अलग 2-4-5 बुक लेकर के पढ़ने के चक्कर में आप न पढ़ते हुए एक बार आप पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए, ये मेरा सजेशन है आप सभी से। और चीज़ों को आप अच्छे से एनालाइज करते हुए, उसको आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़ते चलिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, एक बार उसको आप सीख लेते हैं अच्छे से, किसी भी आप बुक से प्रैक्टिस उठा के देखेंगे, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी दोस्तों यहाँ पर यूपी लेखपाल भर्ती को लेकर के। आगे की जो भी अपडेट्स होगी UP SSSC से या फिर लेखपाल भर्ती व अन्य भर्तियों से संबंधित, तो आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।